मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज के एनुअल डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है। उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उस रात मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। वो अपने शौक कैसे पूरे करता जो तेरे सपनों के हवन कुंड में आहुति बन के जलता रहा। वो मुझे दुख है कि उसने तेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तेरा दिल तोड़ दिया। पर क्या कहूं, जिस दिन उसने तेरी उंगली थामी उसी दिन अपनी कलाई की ओर देखना छोड़ दिया। क्या बात है।
आप इतने क्यूट हो और इतने स्वीट हो, और मैंने सुना है कि आप एक्सट्रीमली मल्टी टैलेंटेड हो. ना मैं गा सकती हूँ, ना मैं आपकी तरह डायलॉग डिलीवरी दे सकती हूँ. आई विश मैं 7 ईयर्स इस एज में आपकी तरह टैलेंटेड होती. बहुत बहुत सुंदर गाया आपने, और ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि 7 साल की लड़की गाना गा रही है. आपकी वॉइस में इतना मैच्योरिटी है. बहुत बहुत सुरीली आवाज़ है. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत खुश हूँ, और बहुत अच्छा भी लगा. मैंने सुना आप एक्टर भी बनना चाहती हैं. हाँ जी. और आप रैंप वॉक भी, मॉडल भी बनना चाहती हैं. और आप डांस भी करना चाहती हैं. क्या ख्याल है आपका? साइशा यार, क्या गाया है! मैं तो मतलब इतना मज़ा ले रहा था तुम्हारे गाने में, मतलब मैं खो गया था. ऐसी ज़बरदस्त गायकी हो गई है तुम्हारी यार. पहले से ज़्यादा कितना ग्रो किया है हमारी साइशा ने. और इसी बात पे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुनिया ना हिलाए, इसी बात पे दुनिया हिला दे.
साईशा गुप्ता। हम फौजी हैं लेकिन बारूद से नहीं बने, ना हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, ना आंखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है लेकिन पर्स में 5 बरस की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज पहन के खुश होते हैं, और जब घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो मां की भूख बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि लाल चौक पर या गलवान में 10, 20 या 40 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथी समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। अच्छा, तुमने दुनिया, तुमने पूरा देश हिला दिया। थैंक यू मैम।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.